वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के साथ आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहाँ तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुँच सके। फ्रेंड्स, दोस्तों बिहार स्पेशल हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इस पार्ट में हम लोग परवर्ती गुप्त वंश के एमसीक्यू को देखेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कई लोग इसे गुप्त वंश से जोड़ के देखते हैं, वो गुप्त वंश से नहीं है, ठीक है ना। ये परवर्ती गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद के जो राजा हुए जिन्होंने अपने नाम के आगे गुप्त रखा, ठीक है ना, जैसे कृष्ण गुप्त, कुमार गुप्त, है ना, दामोदर गुप्त और माधव गुप्त, आदित्य सेन गुप्त, इस तरीके के जो नाम रखे हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक जो है वो गुप्ता एम्पायर के हैं, बट वो गुप्ता एम्पायर के नहीं है, ठीक है ना, वो परवर्ती गुप्ता एम्पायर हैं, ठीक है ना। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। और इनका जो राजवंश था वो भी मगध से लेकर के था, तो बिहार के स्पेशली बिहार के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इनके सारे सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे परवर्ती गुप्त वंश के वो थे कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर सी, जीवित गुप्त टू, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये गुप्ता एम्पायर से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, इसे आप लेटर गुप्ता एम्पायर कह सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थ्री, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। बहुत सारे गुप्ता एम्पायर हुए थे, मतलब परवर्ती गुप्त एम्पायर थे, तो उसमें जो किसी एक ने किया था अश्वमेध, वो किसने किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य सेन ने, ठीक है, आदित्य सेन। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। असंख्य शत्रुओं का विजेता, बहुत सारे इसके शत्रु हो चुके थे, कौन थे वो। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कृष्णगुप्त, क्योंकि संस्थापक भी कृष्णगुप्त ही था और इसके बहुत सारे शत्रु भी बन गए थे, असंख्य, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव, मौखरी वंश के शासक को मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने पराजित किया। मौखरी वंश को पराजित करने वाले परवर्ती गुप्त शासक का नाम बताना है। चार ऑप्शन है, आंसर होगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त तृतीय, ठीक है, कुमार गुप्त तृतीय। नेक्स्ट है, मौखरी वंश के शासक ने किस परवर्ती गुप्त शासक को पराजित करके मगध के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। आप चाहें तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके दोबारा सवाल पढ़ सकते हैं और लेफ्ट साइड में अंग्रेजी के सवाल उसे भी आप पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा सिक्स का ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त, ओके, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा सेवन का ऑप्शन नंबर डी, माधव गुप्त, ठीक है, माधव गुप्त। माधव गुप्त को हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में नियुक्त किया था। अगला है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक के बारे में प्रचलित है कि उसने हिमालय और समुद्र तट के शत्रुओं को जीत लिया था, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए, आंसर होगा एट का ऑप्शन नंबर सी, जीवित गुप्त ने, जीवित गुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, ज्यादा सवाल नहीं है इसके क्योंकि ज्यादा दिन तक रहा नहीं था और उतने भी ज्यादा वीरता का बखान नहीं है, तो इतना भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो कम ही क्वेश्चन है इसके एमसीक्यू, लेकिन जो भी है टॉप के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन सेक ने भारत की यात्रा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, किस परवर्ती गुप्त शासन के काल में एक चीनी राजदूत आया था जिसका नाम था वांग हुएन से, ठीक है। आंसर होगा दोस्तों नाइन का ऑप्शन नंबर डी, आदित्य सेन। इससे दो तीन सवाल बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत मगध के विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था। चार ऑप्शन है, आंसर होगा टेंथ का ऑप्शन नंबर डी, आदित्य सेन, ठीक है, आदित्य सेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। एक्चुअल जो इसका वो है वो आपको देखना है दोस्तों, इसके ऑप्शंस बड़े हैं तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सबसे पहले कृष्णगुप्त जिसने स्थापना किया था परवर्ती गुप्त शासकों के साथ, है ना, तो सबसे पहले कृष्णगुप्त है, उसके बाद हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन गुप्त,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप वीडियो का पॉज करके दोबारा से सारे ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासकों और उनके उपाधियों को सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना। मगध के परवर्ती, सॉरी इसको कंफ्यूज करें, मगध परवर्ती गुप्त शासकों की उपाधियों के साथ सम्मिलित करना है। ये इधर आपको शासक के नाम दिए गए हैं और राइट साइड में उपाधि दी गई है, जैसे हर्षगुप्त, परम भट्टारक, महाराज धीराज, ठीक है, भट्टारक, नैषक कुमार गुप्त, वीर योद्धा, जीवित गुप्त, राजाओं में सिरमौर और अजीत सेन, महाराज धीराज। आप वीडियो का पॉज करके खुद से इसका आंसर देख लें। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 12 होगा, 12 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 3, 1, ठीक है। यानी कि हर्षगुप्त का होगा वीर योद्धा में, ठीक है। बी का होगा 4, यानी कि कुमार गुप्त का महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, ओके। और सी का 3 है, यानी कि जीवित गुप्त, राजाओं में सिरमौर, क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि मिली थी। और डी का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि परम भट्टारक महाराजा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको किसी भी ऑप्शन में अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर हो सकता है बाई चांस अगर गलत आंसर दे दिया हो मैंने तो उसे आप सुधार सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बिहार के कुछ क्षेत्रों में तिब्बती राजवंश का अधिकार हो गया था, इसका अंत किस प्रवर्ती शासक ने किया। यानी कि तिब्बती राजवंश का अंत किस परवर्ती गुप्त शासक ने किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदित्य सेन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, जहां तक हो सके आप शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे बनेगा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।